हेलो डे स्टूडेंट अ वेरी वॉर्म वेलकम हेयर ऑन द यूट्यूब रिविजन सीरीज ऑफ सी ए फाउंडेशन डिसम्बर टू थाउजेंड थ्री एग्जामिनेशन जिसमें हम कवर करने वाले हैं सारे चैप्टर्स का एक थोड़ा रिविजन इसमें हम हर कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं एज यू नो सो आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी बच्चों आपको पता ही होगा कि ओवरऑल मैथ्स का हंड्रेड मार्क्स का पेपर आता है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वेटेज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टेन टू फिफ्टीन मार्क्स का है सो आई यू गाईज रेडी टू फतेह दिस एग्जामिनेशन सो विल स्टार्ट विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी सो फर्स्ट हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बताना चाहती हूँ अगर आप ये फॉलो करोगे सो अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट भी हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाने वाली मैथ्स की वजह से आई श्योर यू कि मैथ्स की वजह से तो आपका सी फाउंडेशन नहीं रुकने वाला है अब वो क्या स्ट्रैटेजी है बच्चों क्लास में हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि यू हैव टू फोकस ऑन द लेवल चैप्टर्स लेवल वन चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो आपको उस पर फोकस करना है एंड वॉट इज दिस लेवल लेवल चैप्टर्स के चैप्टर्स में हमारा आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एल आर एम ओ सी डी एस डी ओ डी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड रेशियो प्रोपोर्शन लॉग इंडाइसिस एंड इंडेक्स नंबर इस पूरे पार्ट को हमने लेवल वन नाम दिया है ये ऑलमोस्ट 50 परसेंट ऑफ द पेपर है लगभग लगभग इसके जो वेटेज होने वाला है वो 50 टू 60 मार्क्स का होने वाला है इसका आप लोग सब करो मॉड्यूल करो बुकलेट करो यूट्यूब रिविजन सीरीज़ पर जो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये करो क्लास में जो आपको टॉप फिफ्टी क्वेश्चन दिए गए थे आप वो सॉल्व करो हर जगह से हर तरह से इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इसमें आप मास्टर होना चाहिए कि इसका टफ़ क्वेश्चन भी आए तो आपसे बन जाए नाव विल मूव फॉर्वर्ड एंड दैट देन कम्ज द लेवल टू लेवल टू में बच्चा आता है सीक्वेंस एंड सीरीज सेटुलेशन फंक्शन लीनियर इन एंड इक्वेशन ये लगभग लगभग टेन टू ट्वेल्व टू ट्वेल्व टू फिफ्टीन मार्क्स इसका वेटेज रहता है वेरी करता है ये बहुत ये वाला पार्ट सो टेन टू ट्वेल्व मार्क्स इसका वेटेज रहेगा इसको एक एक बार पढ़ के देख लो पूरा चैप्टर को पढ़ो और इसका ईजी टू तो मॉडरेट कर लो सिर्फ अगर आपको ये टफ लग रहा है तो प्लस यूट्यूब विवीएन सीरीज का सारा आपको करना है लास्ट कम द थर्ड कैटेगरी जिसमें सबसे के चैप्टर्स हैं पी एन सी थियोरटिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी एंड डिफ्रेंसीशन एंड इंटीग्रेशन ये चैप्टर्स भी काफ़ी टफ हैं पर हम इन्हें पूरा छोड़ नहीं सकते ये बहुत रिस्की हो जाएगा आपके लिए कि अगर आप चार कोई चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हो उसमें मैम क्या करें सिर्फ मॉड्यूल कर लो जिससे जिससे आपका बेसिक टू मॉडरेट कवर हो जाएगा और यूट्यूब रिविजन सीरीज़ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो एक आपको आइडिया लग जाएगा एक बार जब तो आप पूरे चैप्टर को पढ़ोगे ना तो ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आप के पकड़ में आ जाएंगे टफ क्वेश्चन छोड़ दो इजी टू मॉडरेट कर लो प्लस यूट्यूब के सारे क्वेश्चन कर लो एंड आप प्रिपेयर हो एग्जाम देने के लिए फिर बस एक ही चीज रहेगी पढ़ाई तो आपकी सारी हो जाएगी पेपर देख के डर डरना मत बहुत काम रहना और पेपर को अटैम्प्ट करना सो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो बच्चा एंड यू विल पक्का पक्का नेल दिस एग्जामिनेशन बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होने लगेगी लगेंगी बट आपका पॉजिटिव रहना इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड ऑन दिस नोट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी दो पार्ट में हम करने वाले हैं आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कल हम कल वाले पार्ट में करेंगे एन्यूटी एंड जो मिसलिनियस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी के वो तो आप देख रहे हो उसका ओवरऑल जो वेटेज है ओवरऑल जो वेटेज है इसका इसका जो ओवरऑल वेटेज है बच्चा अगर मैं बोलू कि 2023 में कितना कितना आएगा तो मैं यही बोलूंगी कि 15 मार्क्स का तो एक्सपेक्टेड है 10 टू 15 मार्क्स का तो पक्का आएगा अगर मैक्सिमम मान के चलें तो 14 15 क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं नाउ सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें जो विद विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है हमारा प्रिंसिपल जो है वो चेंज नहीं होता प्रिंसिपल वैल्यू हमारी थ्रू आउट सेम रहती है तो हम उसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट अब ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई हंड्रेड सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फार्मूला था फ्रॉम हेयर वो हमारा होता था अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वन प्लस आर टी डिवाइड बाई हंड्रेड अब इस फॉर्मूले में चार वेरिएबल दिख रहे हैं अमाउंट प्रिंसिपल रेट एंड टाइम चारों की कैलसी की स्टेप्स मैंने लिख दी हैं कि अमाउंट हम कैलसी पर कैसे फाइन करते हैं आर मल्टीप्लाई टी डिड बाई हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई विथ प्रिंसिपल प्रिंसिपल कैसे फाइन करते हैं आर मल्टीप्लाई य हंड्रेड प्लस वन डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विद अमाउंट रेट कैसे फाइन करते हैं अमाउंट डिवाइड बाई प्रिंसिपल माइनस वन मल्टीप्लाई हंड्रेड डिवाइड बाई टाइम टाइम कैसे फाइन करते हैं अमाउंट डिवाइड बाई प्रिंसिपल माइनस वन मल्टीप्लाई हंड डिवाइड बाई रेट ये कोई स्टेप्स लर्न नहीं करना है प्रैक्टिस इतनी की है कि पता चल गया कि कैलसी पर कब क्या प्रेस करना है यही फॉर्मूला है यही फॉर्मूला है बच्चों ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोल रही हूं ये स्टेप्स आपको लर्न करना है बच्चों ये कैलसी पे प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है कब कर। तो ये चार उसके लिए हैं अगर आपको कैलसी के स्टेप्स नहीं बनते हैं तो आप ये लर्न भी कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा एक और ट्रिक होती थी द अमाउंट इज एम टाइम्स इफ द अमाउंट विल बी डबल इन फाइव ईयरस वॉट इज द रेट तो डबल बोल रहा है तो करोगे टू माइनस वन मल्टीप्लाई हंड्रेड और डिवाइड कर दोगे फाइव से ठीक है और बोलेंगे इफ द अमाउंट इन एम टाइम्स एट एट आर परसेंट रेट तब क्या करोगे तो कर दोगे एम माइनस मल्टीप्लाई हंड्रेड डिवाइड बाई रेट पूछा रेट गिवेन है तो डिवाइड बाई रेट ठीक है फिर एक और हमने देखा था कि कभी भी प्रिंसिपल में आपको प्रिंसिपल डिवाइड हो रहा है मतलब एक अमाउंट इन्वेस्ट किया तीन पार्ट में वो बोल रहा है उस प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा या पार्ट कितना यान टू पी टू पी थ्री वाला लॉजिक लगाना था वन बाईन टी थ्री तो इससे ये प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो पाएगा तो ये सिंपल इंटरेस्ट की एक समरी हो गई अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो बच्चा कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या हो रहा था चेंज होता रहता था इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता था आज हम यही दो चीजें करने वाले हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता था इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता था मतलब वेरी करता रहेगा प्रिंसिपल ठीक तो वो हम आगे चल के अभी देखेंगे ये हमारी समरी थी सो so, इतना हमारा पोर्शन था सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले आपको समझ में आ गया सिंपल इंटरेस्ट p r t divide by 100 amount or rata principal 1 plus r t divide by 100 इसी पे बेस अब हमें क्वेश्चंस करके देखना है सो so क्वेश्चंस हम करने वाले हैं एसआई SI आई पर पहले एसआई SI आई पे बेस क्वेश्चन करते हैं फिर सीआई पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे फिर कुछ एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चंस हैं क्योंकि एक्सरसाइज uh, वन और एक्सरसाइज टू में तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है uh, जब आप टी सॉल्व कर रहे हो तो मॉड्यूल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि मॉड्यूल में उतने लेवल के क्वेश्चन ही नहीं है काफ़ी इजीजी क्वेश्चन है वन लाइनर ठीक है उसको वर्ड प्रॉब्लम टाइप एक्सपेक्ट नहीं किया है सो एडिशनल क्वेश्चन बैंक कर लेंगे एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज भी तो काफ़ी ईजी

विथ दिस क्वेश्चन नंबर वन देखो इसमें क्या कह रहे हैं इफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट सिक्स परसेंट पर एन एम फॉर सेवन ईयर पहली कंडीशन दी है हमें सिंपल इंटरेस्ट परसेंट पे सात साल के लिए इज इक्वल्स टू सो इसे हम इक्वल्स ले टू ले अच्छा पहला वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डबल है सेकेंड वाला सिंपल इंटरेस्ट से अब पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा प्रिंसिपल होगा कुछ रेट दिया है हमें सिक्स परसेंट और टाइम हमें दिया है सात साल डबल तो था ही अच्छा सेकेंड वाले कंडीशन की हम बात करें तो बोल रहे हैं अनदर सम मतलब प्रिंसिपल चेंज हो गया सो पी टू रेट दिया है फाइव परसेंट और टाइम दिया है नाइन इयर्स अब हमें यहाँ पे द रेशो विल बी मतलब पी वन बाय पी टू फाइन करना है हमें P1 वन इस टू पी टू करना है तो आराम से हो जाएगा देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो रहा है और ये मेरा हो रहा है टू वन जार टू टू थ्री ज़ार सिक्स थ्री वन ज़ार थ्री 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 ज़ार नाइन सो P1 मेरा हो रहा है फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन और ये डिवाइड में गया तो और ये सेवन सो तो ये मेरा आंसर आया फिफ्टीन बाई सेवेन So, ये रेशो मेरा हो गया फिफ्टीन इस टू सेवन यही तीन फॉर्मूलाज हैं बच्चा गिने चुने इसी पे ही क्वेश्चन इधर उधर होता रहेंगे ठीक है चलो नाउ सेकेंड क्वेश्चन बाय मिस्टेक ये अच्छा वाला अच्छी कैटेगरी वाला क्वेश्चन है फर्जी क्वेश्चन नहीं अच्छा क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं बाय मिस्टेक अ क्लर्क कैलकुलेटेड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल फॉर फाइव मंथ्स क्लिक होना चाहिए क्लिक होना चाहिए कि जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम टाइम की बात करते हैं पर्टिकुलरली तो हमेशा टाइम ईयर में लेना चाहिए हमें सो so यहाँ पे गड़बड़ है फाइव मंथ बोल रहे हैं सो so एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कि अगर आपसे टाइम बोल रहे हैं टाइम आपकी टाइम बात कर रहे हैं फाइव मंथ तो बच्चा इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे एयर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे ट्वेल्व से कभी भी टाइम को हमें एयर में कन्वर्ट करना है तो हम उसे डिवाइड कर देंगे तो ये मुझे मिल रहा है जीरो पॉइंट फोर वन सिक्स ठीक है अगर लिखा होता टाइम टू ईयर्स सेवन मंथ तो हम इसे कैल पे कैसे सॉल्व करते हैं सेवन मंथ है तो करते सेवन डिवाइड बाई ट्वेल्व प्लस टू अगर होता थ्री ईयर फाइव मंथ थ्री ईयर फाइव मंथ को कैल से भी कैसे करते हैं फाइव डिवाइड बाई ट्वेल्व प्लस थ्री ठीक है 3. अगर लिखा होता लेट uh, से लिखा होता थ्री पॉइंट टू फाइव ईयर्स तो अब आप इसे मंथ में कैसे लिखते थ्री पॉइंट टू फाइव ईयर का क्या मतलब है थ्री ईयर्स प्लस 0.25 पॉइंट ईयर्स अब 0.25 पॉइंट ईयर्स को आपको मंथ में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे 0.25 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.25 पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई विथ ट्वेल्व तो कितना आ गया थ्री सो so, ये हो गया थ्री ईयर्स एंड थ्री मंथ्स तो कुछ इस तरह से हम टाइम का कन्वर्जन करते थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ठीक है चलो ओके okay. सो so इसी के साथ आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि क्लर्क ने एक मिस्टेक कर दी सिंपल इंटरेस्ट जो पाँच साल के लिए छः सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट इंटरेस्ट था उसने कैलकुलेट कर दिया सिक्स मंथ एट फाइव पॉइंट फाइव परसेंट रेट तो बोल रहे हैं अगर कैलकुलेशन में एरर 25.40 का है तो द ओरिजिनल सम ऑफ़ प्रिंसिपल वाज तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी बच्चा उसने पहली बार कैलकुलेट करा और दूसरे उसने उसको जो एक्चुअल कैलकुलेशन थी उसने वो करी नहीं गलत कैलकुलेशन कर दी और दोनों में एरर 25.40 का पॉइंट का आ रहा है इसका मतलब दोनों का डिफरेंस जो है वो ट्वेंटी है ठीक है मुझे कोई मुझे लेट से दस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी थी पर मैंने

ठीक है ये प्रिंसिपल तो सेम ही है रेट था 6.5 परसेंट और टाइम था यहाँ पे फाइव मंथ और ये डिफरेंस कितने का है 25.40 का अब आपका कैलकुलेशन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए था यहाँ पे तो आपको परेशानी नहीं होती देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैल्सी उठाएंगे आपको ये पूरे पे प्लस है और ये माइनस है तो एम प्लस एम माइनस से हो जाएगा देखना 5.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई सिक्स डिवाइड बाय ट्वेल्व हंड्रेड एम प्लस सिक्स पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई फाइव डिवाइड बाय ट्वेल्व हंड्रेड एम माइनस एम किया तो कितना आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो जीरो फोर वन सिक्स पी टू कितना ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर जीरो अब हमें इसे आर एच एस में लेके जाना है तो क्या करेंगे डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर जीरो हाँ सही तो आ रहा है ये आ रहा है मेरा प्रिंसिपल सिक्सटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई बट ठीक है तो ये हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर मेन थोड़ा आपको अगर डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो इसे सॉल्व सॉल्व कर लो हंड्रेड और ट्वेल्व हंड्रेड कॉमन ले लो मल्टीप्लाई कर दो लिख के भी सॉल्व करते तो कोई दिक्कत नहीं है पर पूरी चीज़ कैल सी पर सोल्व हो रही थी प्रिंसिपल हमें मिला सिक्सटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी बहुत क्लोज़ क्लोज ऑप्शन है ध्यान से टिक करेंगे हाँ राइट नाउ ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहे हैं द एस आई ऑन मनी इज़ फोर बाय नाइन ऑफ प्रिंसिपल हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है फोर बाय नाइन ऑफ प्रिंसिपल नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स मतलब टी टी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल है अच्छी बात है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन एम सो आर की वैल्यू फाइंड करना है बच्चा एस की बात कर रहे हैं ना तो एस वाला फार्मूला यूज़ करो एस हमारा क्या होता था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई हंड्रेड एस आई गिवन है फोर बाई नाइन ऑफ प्रिंसिपल 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 होगा रेट रेट होगा और टाइम भी बोल रहे थे रेट की इक्वल है डिवाइड बाई हंड्रेड सो so, पी से पी कैंसिल हो गया ये हो गया आर स्क्वायर ये फोर बाय नाइन इंटू हंड्रेड अब ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट सो फोर बाय नाइन इंटू अंडर रूट ये हमारी आर की वैल्यू हो गई अब फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है टू नाइन का स्क्वायर रूट थ्री और हंड्रेड का स्क्वायर रूट टेन सो ये आया ट्वेंटी पॉइंट थ्री परसेंटेज विच इज़ ऑप्शन नंबर बी ठीक है क्वेश्चन को आराम से रीड करो व्हाट इज द मेन थिंग इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो आपको कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकते हैं क्वेश्चन को बहुत आराम से रीड करो सारी चीजें गिवन लिख लो पहले लिखने के बाद देखो क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है तो जब मैंने सारी चीज़ें लिखी तो मुझे समझ में आया अमाउंट की कहीं बात नहीं हो रही सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है मतलब पी आर टी डिवाइड बाई हंड्रेड अप्लाई होने वाला है नाउ दीज टू घटिया क्वेश्चन सिर्फ ये बताने के लिए ये ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं बोल रहे हैं द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दो हज़ार फॉर फाइव मन एड सिक्सटीन परसेंट पर एन एम हाँ हाँ तोबा तो सो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद रेट मल्टीप्लाई विद टाइम डिवाइड बाय 100 क्योंकि मंथ में दिया था तो डिवाइड बाय 12 सो ये कितना आ रहा है 133.33 सो ये कितना आ रहा है 133.33 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी टू यील्ड एन एनुअल इनकम ऑफ फोर ट्वेंटी एट सेवन परसेंट सिंपल इंटरेस्ट टू एन एनुअल इनकम एनुअल इनकम की बात हो गई मैम इसका मतलब हर साल उसे कुछ पैसे मिलेंगे हर साल कुछ उसे पैसे मिलेंगे मतलब एन्युटी एन्युटी अगर ये क्वेश्चन होता तो सिंपल इंटरेस्ट तो मैंशन नहीं होता सो so, अभी तो आपको पता है हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं पर शायद एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि अच्छा एनुअल इनकम मतलब हर साल हर साल पर हर साल में तो कंपाउंड एन्यूटी तो हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है सो so, मतलब हमें ये सिंपल इंटरेस्ट गिवेन है कितना सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है फोर रेट हमें गिवन है सेवन रेट हमें गिवन है सेवन एनुअल इनकम बोला है तो टाइम हमें गिवन है एक साल हमें पी की वैल्यू फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी डिवाइड बाई हंड्रेड ये दिया है फोर ट्वेंटी प्रिंसिपल हमें दिया नहीं रेट हमें दिया है सेवन परसेंट और टाइम दिया है फोर ईयर्स तो ये कितना हो जाएगा सेवन डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू फोर्टीन डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ फोर ट्वेंटी सो ये प्रिंसिपल आपको मिल रहा है क्या मिल रहा है ये बहुत घटिया प्रिंसिपल आ रहा है ये तो ठीक है एक बार और सॉल्व कर लेते हैं पता नहीं क्या हो गया है सेवन डिवाइड बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई विथ फोरटीन डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ फोर ट्वेंटी प्रिंसिपल मेरा अभी भी फोर ट्वेंटी एट आ रहा है हाय अल्लाह क्या गड़बड़ हो रही है फ़ोर ट्वेंटी मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड डिवाइड बाई सेवन इंटू फोरटीन एक मिनट ज़रा चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ है क्या फोर ट्वेंटी मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड डिवाइड बाई सेवन डिवाइड बाई फोरटीन फोर ट्वेंटी एट ही आ रहा है अभी भी मेरा हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू यूल्ड एन एनुअल इनकम ऑफ फोर ट्वेंटी एट सेवन परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पी की वैल्यू क्या होगी सो पी की वैल्यू आ गई मेरी फोर ट्वेंटी मल्टीप्लाय विथ हंड्रेड डिवाइड बाय से अच्छा ये मैंने फोर्टीन किस खुशी में लिख दिया आई एम जो सॉरी टाइम मैंने ये वन ईयर था वन ईयर को थोड़ा डेकोरेट करके लिख दिया सो so ये फोर्टीन लग रहा है आई एम सो सॉरी एवरी वन सो दिस इज वन ईयर सो फोर ट्वेंटी इंटू हंड्रेड इंटू सेवन इंटू वन ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई ये हमारी वैल्यू आ गई है प्रिंसिपल की ठीक है सो अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते थे फोर इंटू मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड डिवाइड बाई सेवन सो ये प्रिंसिपल आ रहा है मेरा छः हज़ार रुपये आई एम सो सॉरी अच्छा तो आप लोगों ने तो नीचे बहुत लिख ही दिया होगा अभी तक मैम वो फोर्टी नहीं था वो वन था येस आई गेट इट आई फिगर इट आउट कि वो जो है फोर्टीन नहीं था वो वन ईयर था तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था एंड वी हैव डन दिस मैंने यहाँ गलती से फोर्टीन लिख दिया था टाइम इज़ वन ईयर ओके okay. सो इजी क्वेश्चन में ही फंस गए आप लोग मत फंसना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बहुत ही आसान है इन वॉट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट कितने टाइम में पैसा डबल हो जाएगा तो डबल है तो 2 होगा ये डबल है तो 2 हो गया -1 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइड बाय रेट 6.25% है तो 6.5 सिर्फ कैलकुसी पे कर सकते थे 2 1 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाय 6.25 सो ये मिल रहा है आपको कितने साल 16 इयर्स आंसर विल बी सिक्सटीन इन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू थ्री सेवेंटी वॉट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू थ्री सेवेंटी इन सिक्स इट एट परसेंट परिणाम सिंपल इंटरेस्ट कैल्स पे कैसे सॉल्व करते हैं आर मल्टीप्लाई विथ टी डिवाइड बाय हंड्रेड प्लस वन एंड देन डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विद अमाउंट जो की था तीन सौ सत्तर सो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई है टू फिफ्टी रुपीज ठीक है प्रिंसिपल कैलसी पे कैसे फाइंड करते हैं आर मल्टीप्लाई टी डिड्रेड प्लस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विद अमाउंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अ सर्टेन सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर थ्री इयर्स किसी अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया फॉर थ्री इस इफ द सेम हैज बीन इन्वेस्टेड रेट दट वॉज सेवन परसेंट हायर द इंटरेस्ट अमाउंट वु मोर यह पकड़ लो से कभी भी आपको दो चीजें सेम बोल रहे हो और एक चीज डिफरेंट हो देखो प्रिंसिपल सेम है एक अमाउंट जो एक प्रिंसिपल जो है इन्वेस्ट किया तीन साल के लिए फिर सेम प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया तीन साल के लिए सेवन परसेंट ज्यादा रेट पर क्योंकि रेट ज्यादा तो सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा तो अब हमसे पूछना है कि वो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल और टाइम सेम है रेट डिफर कर रहा है रेट डिफर कर रहा है तो जो आपका एस SI का फॉर्मूला होता था पी आर टी डिवाइड बाई हंड्रेड इस वक्त क्या चेंज हो रहा है प्रिंसिपल सेम है एक ही अमाउंट ऑफ मनी मैंने दो जगह रखा तीन साल के लिए एक जगह अगर रेट दो परसेंट था तो एक जगह नौ परसेंट था सात ज्यादा साथ ज्यादा तो 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 एक चीज डिफर डिफर कर रही है, रेट, तो रेट डिफर कर रही रही है है रेट रेट ये आप लिखोगे सिंपल इंटरेस्ट तो चेंज हो जाएगा क्योंकि रेट डिफरेंट है पी की वैल्यू सेम थी चेंज इन आर मल्टीप्लाइटी डिवाइड बाई हंड्रेड जो जो ज्यादा है जो ज्यादा है उसे हमने क्या कर दिया वहां पे हमने लिखा चेंज 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 इन रेट ऐसा ही का मतलब क्या है चेंज इन रेट अच्छा अब सारी वैल्यूज पुट कर दो कितना चेंज आ रहा था सिंपल इंटरेस्ट में एट एटी टू प्रिंसिपल की वैल्यू तो ज्यादा थी कितना चेंज आ रहा था रेट में चेंज इन रेट मतलब बोलेंगे सेवन परसेंट हायर सात परसेंट ज्यादा था तो सेवन टाइम तो सेम ही था और दिस इज दिस अब हम इसे कैल पे सॉल्व कर सकते हैं एट एटी टू मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी वन सो ये प्रिंसिपल मुझे मिल रहा है फोर्टी टू हंड्रेड रुपीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है ये कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन समझ में नहीं आती है तो एक बार डिटेल्ड मेथड सुन लो शायद आपकी हेल्प हो जाए आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक सर्टेन सम अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया गया तीन साल के लिए तो एस वन पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा से प्रिंसिपल था रेट आपको मान लो आर परसेंट था ठीक है और टाइम था तीन साल डिवाइड बाय हंड्रेड यही होगा ना अच्छा अब एस आई टू सेकेंड कंडीशन में प्रिंसिपल तो सेम ही था रेट सात ज्यादा था तो रेट कितना होगा आर प्लस सेवन परसेंट ज्यादा था तो आर प्लस सेवन डिवाइड बाई हंड्रेड और टाइम सेम ही था लेकिन बोल रहे थे इन दोनों इंटरेस्ट का चेंज कितना था एट एटी टू तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एस आई वन माइनस एस आई टू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल जब हम इसे माइनस करेंगे तो यार से यार कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा यहाँ पे थ्री यहाँ पे हंड्रेड इसी को तो मैं बोल रही थी चेंज इन एस si, आई और इसी को मैं बोल रही थी चेंज इन रेट ठीक है तो ये ऐसे ड्राइव होता है बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है ये फॉर्मूला याद रखोगे तो यू आर गुड टू गो या ऑप्शन अप्रोच से भी कर सकते थे बहुत सारे तरीके हैं ठीक है चलें ओके okay, अब एक क्वेश्चन और अ सम ऑफ मनी डबल इट्सल्फ इन एट ईयर्स ओके अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन एट ईयर्स मतलब क्या करना है एट माइनस वन मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड डिवाइड बाय आ सम ऑफ मनी डब गुलजारन सारी तो टू विड्रेड बाई ए रेट कितना आ गया रेट आ गया ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट मनी डबल इट सेल्फ इन एट ईयरस तो रेट हमें मिला रेट हमें मिला कितना ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट

ध्यान से देखना अ पर्सन बोरोज फाइव थाउजेंड फॉर टू ईयर्स एट फोर परसेंट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल की वैल्यू पाँच हजार है टाइम दो साल है रेट चार परसेंट है ही इमीजिएटली लेंड्स टू अनदर पर्सन सेम अमाउंट ऑफ मनी उसने किसी और इंसान को दिया मतलब प्रिंसिपल सेम है रेट अलग है देखो रेट कितना है सिक्स होल वन बाय फोर मतलब सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट फॉर टू ईयर्स यहाँ भी टाइम टू ईयर्स मतलब टाइम भी सेम है तो दो चीज़ें सेम हैं मतलब चेंज इन एस SI का फॉर्मूला लग रहा होगा चेंज इन एस SI होता है प्रिंसिपल चेंज इन रेट इन टाइम डिवाइड बाय हंड्रेड सो फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजेक्शन फॉर अ ईयर तो एक साल में कितना फायदा हुआ उसे फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजेक्शन फॉर ईयर तो एक साल में कितना फायदा हुआ मतलब कितना सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा था एक साल में रेट अलग अलग है तो सिंपल इंटरेस्ट ही ज्यादा हो रहा होगा ना तो ठीक है फाइन कर लेते हैं प्रिंसिपल पांच हजार था चेंज इन रेट रेट कितना बदला ये आपका रेट था 6.25 परसेंट ये था 4 परसेंट तो दोनों को माइनस कर दो तो चेंज इन रेट पता चल जाएगा टाइम दो साल डिवाइड बाय 100 सो ये हो रहा होगा 5000 थाउजेंड मल्टीप्लाई विथ टू पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाई हंड्रेड अब हम इस चीज़ को कैसी पे आराम से सॉल्व कर सकते थे 5000 थाउजेंड मल्टीप्लाई विथ टू पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाई हंड्रेड ये कितना गया टू पर ध्यान से देखो ये जो हमारा चेंज आया है ये जो हमारा चेंज आया है बच्चों कितना आया है कितना इंटरेस्ट में फायदा हो कितना इंटरेस्ट में गेन हो रहा है टू ट्वेंटी फाइव रुपीज का पर ये तो दो साल के लिए है ना हमसे पूछ रहे थे एन ईयर एक साल में कितना फायदा होगा कैसे समझ में आया ये दो इयर्स का है देखो टाइम में अपन ने इयर्स यूज करा है मतलब ये गेन तो टू इयर्स का है तो एक साल का गेन कितना होगा टू ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टू गेन पर ईयर गेन पर ईयर हो जाएगा हमारा 120 112.5 व्हिच विच इज ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो पीछे जाओ और फिर से देखो अ सर्टेन सम ऑफ मनी क्यू वाज डिपॉजिटेड फॉर फाइव इयर्स फोर मंथ अरे बहुत गड़बड़ तो है फाइव ईयर फोर मंथ तो फोर डिवाइड बाय ट्वेल्व प्लस फाइव कितना टाइम है फाइव पॉइंट थ्री थ्री ईयर्स ठीक है

एंड अमाउंट टू टू फोर्टी एट रुपीज अमाउंट कितना आया टू फोर्टी एट रुपीज़ फाइन द वैल्यू ऑफ क्यू सो प्रिंसिपल भाई हो बहनों प्रिंसिपल कैल पे कैसे फाइन करते हैं रेट से स्टार्ट करते हैं तो रेट मल्टीप्लाई विद टाइम डिवाइड डि हंड्रेड प्लस वन डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विद अमाउंट सो ये प्रिंसिपल आ रहा है क्यू प्रिंसिपल आ रहा है मेरा टू हंड्रेड पॉइंट जीरो 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 समथिंग विच इज ऑप्शन ए प्रिंसिपल फाइन करना था टू थाउजेंड एटीन का क्वेश्चन था मतलब ये जो मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए हैं आपको अगर ये आपने अच्छे से ध्यान से समझ लिए ना एक बार ये चार तो आपकी सिंपल इंटरेस्ट की परेशानी बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या फाइंड करना है ये फॉर्मूला लिख के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको तो अगर आपसे पॉसिबल हो पा रहा है सो तो आप उसकी उसको ध्यान में रख सकते हो कि क्या है अच्छा ठीक है ये देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन अ सर्टेन सम ऑफ़ मनी बिकम सिक्स नाइन्टी टू इन टू ईयर्स कोई एक प्रिंसिपल था वो कितना बन गया सिक्स नाइन्टी टू बन गया दो साल में एंड एट हंड्रेड रुपीज़ इन फाइव ईयर्स अच्छा और यही कितना बन गया पाँच साल में एट हंड्रेड रुपीज़ बन गया सो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी बच्चों इस क्वेश्चन में देखो आपको दो कंडीशन दी हैं इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है ऑप्शन अप्रोच डेफिनेटली कर सकते हैं पी की वैल्यू ऑप्शन कर करके कर देखो अगर दोनों जगह रेट सेम आ रहा होगा तो आपका आंसर वही सही है पी की वैल्यू पुट करके देखो अगर रेट सेम दोनों जगह आ रहा होगा तो आंसर सही ऑप्शन अप्रोच से डेफिनेटली कर सकते हैं बट तो ऑप्शन अप्रोच बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो मैं नॉर्मल मेथड बता रही हूँ देखो दो कंडीशन जब आपको दी होंगी सेम प्रिंसिपल एक मेरे पास अमाउंट था ठीक है एक मेरे पास अमाउंट था ये अमाउंट तो मैंने दो साल के लिए दे दिया तो सिक्स नाइन्टी टू बन गया फिर वही वाला अमाउंट पाँच साल के लिए दे दिया था तो एट हंड्रेड रुपीज़ बन गया मतलब इनमें जो फर्क आ रहा है एक ही पैसा एक ही टाइप ऑफ मनी सिक्स नाइन्टी टू रुपीज़ बन रहा है और एट हंड्रेड रुपीज़ बन रहा है क्यों क्योंकि टाइम में डिफरेंस है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है इंटरेस्ट इज़ मोर इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है मतलब किसकी वजह से ये चेंज आ रहा है इंटरेस्ट की वजह से ये चेंज आ रहा है तो चेंज को मैथमेटिकली माइनस से समझ सकते हैं तो इन दोनों को माइनस करो 800 हंड्रेड माइनस सिक्स एट हंड्रेड माइनस सिक्स नाइन्टी टू किया तो आ रहा है वन हंड्रेड एट रुपीज़ मतलब दो साल और पाँच साल में जो पैसों में अंतर आ रहा है वो एक सौ आठ रुपीज़ का था अब ये क्या होगा आ, ये ऐसा ही होगा ना पर ऐसा ही कितने साल का दो साल लिखा है कहीं पाँच साल लिखा है तो भैया इन्हें भी माइनस करो फाइव माइनस टू कितना तीन साल तो ये है हमारा तीन साल का सिंपल इंटरेस्ट पर तीन साल के सिंपल इंटरेस्ट का आप क्या कर लोगे तीन साल के सिंपल इंटरेस्ट फाइन करने से कुछ थोड़ी होगा आप एक साल का सिंपल इंटरेस्ट फाइन करो सिंपल इंटरेस्ट फॉर वन ईयर अब अगर एक सौ आठ रुपये तीन साल का है तो एक साल का कितना होगा थर्टी सिक्स रुपीज ठीक है अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे थे क्वेश्चन में कह रहे थे कि प्रिंसिपल नहीं पता अमाउंट सिक्स नाइनटी टू ईयर्स है और टाइम दो साल है तो बच्चों जब एक साल का सिंपल इंटरेस्ट थर्टी सिक्स रुपीज़ है तो दो साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा थर्टी सिक्स इंटू टू सो दो साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा सेवेंटी टू रुपीज़ अब तो घटिया आंसर ईजी हो गया अमाउंट होता था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट था सिक्स नाइन्टी टू प्रिंसिपल नहीं पता था इंटरेस्ट हो गया सेवेंटी टू रुपीज़ तो सिक्स नाइन्टी टू में सेवेंटी टू माइनस किया सो तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई सिक्स ट्वेंटी रुपीज़ प्रिंसिपल so, की वैल्यू कितनी हो गई प्रिंसिपल हो गया हमारा सिक्स ट्वेंटी रुपीज अच्छा अब इसका एक फास्ट मेथड बताऊं आप ऑप्शन अप्रोच से करते हैं तो रेट सेम आता क्योंकि रेट सेम है ना ये तो बोल दी ना रेट अलग अलग है तो देखो रेट कैसे फाइंड करते थे रेट फाइंड करते थे अमाउंट बाय प्रिंसिपल अमाउंट विथ हंड्रेड डिवाइड बाय टाइम सो रेट आ रहा है भी रेट आ रहा है फाइव पॉइंट जीरो पाँच सेकंड का बचा सिर्फ क्वेश्चन अगर ऑप्शन अप्रोच से करते तो इजी हो जाता पर फिर भी कुछ बच्चों को ऑप्शन अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है सेम ही प्रिंसिपल अलग अलग टाइम पे दे रहे हैं पर रेट तो सेम ही है ना क्योंकि रेट के क्वेश्चन में कुछ बात ही नहीं हो रही सो पी की वैल्यू पुट करके देखो दोनों जगह दोनों जगह पी की वैल्यू ऑप्शन में से लेके रेट फाइंड करके देखो अगर दोनों का रेट सेम आया तो वही आंसर सही है ऑप्शन अप्रोच ज्यादा बेटर है बट कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था तो ये डिटेल मेथड बताया है ठीक है नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये ईजी क्वेश्चन है आपको ये बताने के लिए कि आईसीआई कैसा भी क्वेश्चन दे सकती है प्रेजेंस ऑफ माइंड इज उस उस दिन घंटे उस में आपको बड़ा काम रहना पड़ेगा तब आपका काम आसान हो जाएगा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं इन सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज टू थाउजेंड रुपीज अगर प्रिंसिपल की वैल्यू टू थाउजेंड रुपीज है एंड रेट एंड टाइम आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हो माई गॉड रेट एंड टाइम रूट्स ऑफ द इक्वेशन है रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब एक्स की वैल्यू तो रेट एंड टाइम एक्स की वैल्यूज हैं तो यहाँ से भाई एक्स की वैल्यू फाइन कर लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो कोऑर्डनेटिक फार्मूला सो माइनस इलेवन कैसे आ सकता है छः और पाँच ग्यारह और छ और पाँच थर्टी मल्टीप्लाई जब हम करें तो यहाँ से मुझे मिल रही है एक्स की वैल्यू सिक्स और एक्स की वैल्यू फाइव ठीक है सो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल जो कि 2000 था एक एक्स की वैल्यू सिक्स आ गई एक एक्स की वैल्यू फाइव आ गई और डिवाइड बाय हंड्रेड सो ये हो गया टू थाउजेंड मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड सो सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है छ सौ रुपए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है सिक्स हंड्रेड रुपीज और कुछ इस तरह आपको ये आंसर मिल रहा है ठीक है नाउ विल मूव टू क्वेश्चन यहाँ कह रहे हैं 42, की बड़ी थी. हम जैसे ही देखते हैं व्हाट समोड्यूस फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड हम समझ लेते हैं कि वो अमाउंट है, भाई आगे रीड तो करो इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ एज एन इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना हो इंटरेस्ट है फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड तो एस SI आई हमें गिवन है फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड तो व्हाट सम ऑफ मनी कितना प्रिंसिपल फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगा तो एस SI आई का फॉर्मूला होता था प्रिंसिपल रेट इन टू टाइम टाइम का बड़ा मसला है थ्री ईयर थ्री मंथ्स तो थ्री डिवाइड बाई ट प्लस थ्री तो टाइम हो गया थ्री पॉइंट टू फाइव इज इक्वल्स टू फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड अब कैसे सॉल्व करेंगे इस पूरी चीज़ को सॉल्व करेंगे आर एच एस में ले जाएंगे आर एच एस में कैसे लेके जाते हैं बाय प्रेसिंग डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्टी टू हंड्रेड रुपीज़ से सो so, कैल उठाया भाई टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई थ्री पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड सो ये मेरा प्रिंसिपल आ गया फाइव टू सिक्स सेवन सिक्स नाइन फाइव लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी नाइन हिंदी नहीं आती मुझे ठीक है ओके नाम विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट विल टेक आर फाइव टू टेन मिनट्स बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये घुमा के पूछा गया है सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं अमैन इन्वेस्टेड वन थर्ड ऑफिस कैपिटल एट सेवन परसेंट वन फोर्थ एट एट परसेंट एंड द बचा हुआ एट टेन परसेंट इफ द एनुअल इनकम इज फाइव सिक्सटी वन द कैपिटल इज वॉट हमसे ये पूछा गया है एक सम ऑफ मनी था एक बड़ा वाला अमाउंट था एक बड़ा अमाउंट था उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए कितने टुकड़े किए वन थर्ड ऑफ टोटल वन फोर्थ ऑफ टोटल और बचा हुआ और बचा हुआ ठीक तो है तो भैया इसे ऑप्शन सॉल्व कर लो मैं सीधा मैं पहले ए ऑप्शन बताती हूं ए ऑप्शन अगर आपका होता फोर्टी फोर हंड्रेड सो फोर्टी फोर हंड्रेड का वन थर्ड कितना हो जाता फोर्टी फोर हंड्रेड का वन थर्ड हो जाता वन फोर सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स अच्छा फोर्टी फोर हंड्रेड का वन फोर्थ कितना हो जाता इलेवन हंड्रेड अच्छा टोटल कितना था फोर्टी फोर हंड्रेड वन सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स माइनस कर दिया और इलेवन हंड्रेड भी माइनस कर दिया इसका मतलब जो बचा हुआ था जो रिमेनिंग पैसा था वो कितना था वन एट थ्री थ्री पॉइंट थ्री फोर रुपीज़ बस इतना समझना था यहाँ पे टोटल मनी का वन थर्ड कितना होता है तो टोटल को थ्री से डिवाइड कर दो वन फोर्थ कितना होता है तो फोर से डिवाइड कर दो बचा हुआ कितना होता है अरे यार मेरे पास दस रुपए थे पहले बोल रहे हैं आपके पास तीन रुपए थे फिर बोल रहे हैं आपके पास पांच रुपए थे तो बचे हुए पैसे कितने थे दस में से आठ माइनस कर दिया दस में से तीन माइनस करा और पांच माइनस करा तो टोटल मेरे पास कितना कितने रुपए थे फोर्टी फोर हंड्रेड इसमें से मैंने ये माइनस करा और ये माइनस करा तो मुझे एटीन थर्टी थ्री रुपीज मिल गए अब मेरे पास अलग अलग प्रिंसिपल आ चुके हैं अब मुझसे पूछ रहे हैं कि अब मुझसे पूछ रहे हैं अब हमने तो ऑप्शन अप्रोच से कराए अब अगर इन सब का सिंपल इंटरेस्ट एनुअल इनकम बोल रहे हैं मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो अगर इन सब का सिंपल इंटरेस्ट फाइव सिक्सटी वन रुपीज है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन सही है सो so, अगर मैं फोर्टीन 14, 1466 सिक्स सिक्स मेमोरी क्लियर कर दें 1466.6 सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स रुपीज़ सेवन परसेंट पर देती हूँ सो so, मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा वन जीरो पॉइंट टू सिक्स सिक्स रुपीज़ अगर 1100 हंड्रेड रुपीज़ एट परसेंट पर देती हूँ तो आ, ये हो जाएगा एटी एट रुपीज़ अगर वन एट थ्री थ्री पॉइंट थ्री रुपीज़ टेन परसेंट पर देती हूँ तो ये हो जाएगा वन एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री रुपीज़ एम आर सी किया तो कुछ तो भी आ रहा है मतलब ये ऑप्शन गलत है मतलब ये ऑप्शन गलत है अब आपको सही ऑप्शन इसमें से ढूंढना है सो सही ऑप्शन जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है सही ऑप्शन है सिक्सटी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ थोड़ा टाइम लगेगा बट यही ईजी मेथड है तो देखें सिक्सटी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ का सिक्सटी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ का वन थर्ड की मेमोरी क्लियर कर देते हैं सिक्सटी सिक्स हंड्रेड का <coughs> वन थर्ड हो जाएगा ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज़ ठीक है और सिक्सटी सिक्स हंड्रेड का वन फोर्थ हो जाएगा वन सिक्स फाइव जीरो रुपीज़ तो सिक्सटी सिक्स हंड्रेड में से ट्वेंटी टू हंड्रेड माइनस करा वन सिक्स फाइव ज़ीरो माइनस करा तो बाकी के पैसे बच रहे हैं सत्ताईस पचास अब हम क्या करते हैं अब हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर रेट करके सिंपल इंटरेस्ट फाइन कर लेते हैं अगर बाईस सौ रुपये सेवन परसेंट पर दिए और वन सिक्स फाइव जीरो रुपीज़ एट परसेंट पर दिए एम प्लस और टू सेवन फाइव जीरो आपने दस परसेंट पर दिए एम प्लस तो ये सबका जो प्रिंसिपल आ रहा है जो सिंपल uh, इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है फाइव सिक्सटी वन रुपीज़ और यही क्वेश्चन में बोला था सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन अगर आपको कैल पे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बाईस सौ परसेंट का सात परसेंट निकाल दो बाईस सौ का सात परसेंट कितना हो रहा है वन फिफ्टी फोर रुपीज़ वन सिक्स फाइव ज़ीरो का एट परसेंट फाइन कर दो भैया कितना हो रहा है वन थर्टी टू रुपीज़ टू सेवन फाइव जीरो का टेन परसेंट कितना हो रहा है टू सेवेंटी फाइव इन सब को एड कर दो तो आपको मैनुअली ऐड कर दो कैलसी पे एम प्लस एम माइनस में आपको मुश्किल लग रही है तो कोई परेशानी की बात थोड़ी है इसमें ठीक है जैसा बेस्ट लगता है आपका हो कुछ स्टूडेंट का सिम्पलीफिकेशन स्ट्रांग होता है कुछ स्टूडेंट्स का कैलसी स्ट्रांग होता है कुछ को लिखने की आदत होती है आप जिस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो आप क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करो ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ थाउजेंड बी इन्वेस्टेड एट इंटरेस्ट रेट फाइव परसेंट एंड द इंटरेस्ट बी एडिड टू द प्रिंसिपल एवरी दस इन द नंबर ऑफ इयर इन विच इट विल अमाउंट टू टू थाउजेंड रुपीज इज वॉट बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन है ठीक है बहुत रीडिंग स्किल्स यहाँ पे काम आने चाहिए ये मैथ्स की परेशानी नहीं है रीडिंग स्किल्स की प्रॉब्लम है अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है एक हजार रुपये इन्वेस्ट किए पाँच परसेंट रेट पर The interest be added to the principal. Interest principal में add हो गया after दस साल हर दस साल में interest principal में add हो रहा है Simple interest में तो principal same हो रहा था पर यह exceptional question दे रहे हैं कि दस साल के बाद जो amount बन जाएगा वो ऐसा होगा जैसे principal में interest add हो गया है ना ठीक है तो दस साल के बाद का अपन amount find कर लेते हैं दस साल का सिंपल इंटरेस्ट find कर लेते हैं दस साल का भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा एक हज़ार रुपये पाँच परसेंट पर दिए गए दस साल के लिए तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया पाँच सौ रुपये यही बोल रहे थे ना दस साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया पाँच सौ रुपये अब बोल रहे हैं हमसे दस साल के बाद प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो प्रिंसिपल कितना था एक हजार रुपये और इंटरेस्ट कितना पाँच सौ रुपये तो ये कितना हो गया पंद्रह सौ रुपये सो so, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एक हज़ार रुपये पंद्रह सौ रुपये बन गए दस साल में राइट right? अब पंद्रह सौ रुपये दो हज़ार कितने साल में बन गए होंगे दैन द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इट विल अमाउंट टू टू थाउजेंड रुपीज़ तो ये जो एक हज़ार रुपये हैं ये दो हजार रुपए कितने साल में बन गए होंगे तो एक हजार रुपए पंद्रह तो दस साल में बन गए अपन को समझ में आ गया अब अपन को ये फाइन करना है फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज टू थाउजेंड रुपीज एट फाइव परसेंट कितने बन गए अब टाइम कैसे फाइन करते थे अमाउंट डिवाइड बाई प्रिंसिपल माइनस वन मल्टीप्लाई हंड्रेड डिवाइड बाई रेट तो अमाउंट डिवाइड बाई प्रिंसिपल माइनस वन मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड डिवाइड बाई रेट सो तो ये आ रहा है सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स ईयर्स तो ये हमारे पास 10 साल था ये हमारे पास 6.666 पॉइंट ईयर्स था तो टोटल मिला के हमें मिला 16.66 पॉइंट सिक्स ईयर्स विच इज़ ऑप्शन ए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे जाएं फिर से देखें रीडिंग स्किल इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट थी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अ मैन इन्वेस्ट रुपीज़ ट्वेल्व थाउजेंड एट टेन परसेंट पर एनम एंड अनदर सम ऑफ मनी एट ट्वेंटी परसेंट

अनदर सम ऑफ़ मनी और उसी इंसान ने कुछ अमाउंट और इन्वेस्ट किया एट ट्वेंटी परसेंट पर एना ठीक है इसका मतलब उसके पास कुछ टोटल अमाउंट होगा ठीक है टोटल में से बारह हजार रुपये उसने दस परसेंट रेट पर दे दिए और बाकी के जितने बचे वो ट्वेंटी परसेंट पर दे दिए अच्छा तो अगर बारह हज़ार रुपये इंटरेस्ट देखते तो दस परसेंट है बाकी का जितना बचा उस पर देखते तो इंटरेस्ट ट्वेंटी परसेंट है पर कह रहे हैं अगर टोटल इन्वेस्टमेंट पे आप देखना चाहो टोटल इन्वेस्टमेंट से अगर आप कंपेयर करो तो टोटल इन्वेस्टमेंट पे उसे मिलते चौदह परसेंट रेट तो बोल रहे हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा ठीक है ठीक है तो हम मान लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट आठ हज़ार है ये तो बड़ा ही गलत हो जाएगा अरे यार उसने कुछ पैसे जो पैसे थे उसमें से उसने बारह हज़ार एक जगह इन्वेस्ट किए और बाकी के और अगर मेरे पास आठ हज़ार रुपये होते तो क्या मैं बारह हज़ार इन्वेस्ट कर पाती तो ये तो गलत है सो तो अब हम लेते हैं ऑप्शन बी ऑप्शन बी के हिसाब से उसके पास बीस हज़ार थे अच्छा अगर बीस हज़ार होते तो फोर्टीन परसेंट डेट के हिसाब से एक साल का कितना इंटरेस्ट हो जाता बीस हज़ार का फोर्टीन परसेंट सो इंटरेस्ट होता कितना इंटरेस्ट होता ट्वेंटी एट हंड्रेड रुपीज़ ओवरऑल का अगर इंटरेस्ट देखें तो कितना एट ट्वेंटी एट हंड्रेड अच्छा अगर बारह हज़ार के हिसाब से टेन परसेंट देखें तो बारह सौ रुपये हो जाता अच्छा उसके पास बीस हज़ार थे बारह हज़ार उसने दस परसेंट पर दे दिए तो बाकी के कितने बचे यार आठ हज़ार बचे ना तो आठ हज़ार का बीस परसेंट कितना होगा सोलह सौ रुपये इनको जरा ऐड करना बारह हजार का इंटरेस्ट और आठ हजार का इंटरेस्ट ऐड करना है तो हमारा कितना आ रहा है अट्ठाईस सौ रुपये यही तो बोल रहे थे ये तो सेम सेम आ गया ना मतलब यही ऑप्शन सही है कह रहे थे कि अगर आई होप आप लोग समझ गए हो तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट पे अगर हम इंटरेस्ट देखते तो चौदह परसेंट था सो बीस हजार का चौदह परसेंट अट्ठाईस सौ हुआ ठीक है लेकिन बोला जब उसने उसके गुड अलग-अलग इन्वेस्ट किया एक बार 10% पे दिया एक बार 20% पे दिया तो भी इंटरेस्ट 2800 ही आ रहा है मतलब कंडीशन वेरीफाई हो रही है सो तो ये ऑप्शन सही है ठीक है नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ सर्टेन अमाउंट अ सर्टेन सम अमाउंट टू 575 रुपीस एट 5% रेट इन अ टाइम इन अ टाइम इन विच सेवन एट थी अमाउंट टू एट फोर्टी एट फोर परसेंट पर है नम ठीक है सात सौ अस्सी आठ सौ चालीस आठ परस चार परसेंट रेट पर जितने टाइम में बन गया उतने टाइम में ये प्रिंसिपल फाइव सेवेंटी फाइव रुपीज बन गया है तो यहां से टाइम फाइंड कर लो ना यहाँ पे सारी वैल्यूज दी है तो टाइम कैसे फाइंड करते हैं अमाउंट डिवाइड बाय प्रिंसिपल माइनस वन मल्टीप्लाई हंड्रेड डिवाइड बाय फोर सो ये टाइम आ रहा है वन पॉइंट नाइन टू अब ये टाइम यहाँ पे पुट कर दो अब यहाँ पे ये टाइम पुट करोगे तो टाइम भी है रेट भी है और अमाउंट भी है तो so प्रिंसिपल कैसे फाइन करते थे रेट मल्टीप्लाई विदाइड बाई हंड्रेड प्लस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ अमाउंट सो ये अमाउंट आ रहा है आपका फाइव ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स थ्री रुपीज पांच सौ पचास बहुत ज्यादा हो गया पांच सौ पंद्रह भी बहुत ज्यादा हो गया पांच सौ बहुत कम हो गया सो क्लोजेस्ट ऑप्शन इज फाइव ट्वेंटी फाइव रुपीज ठीक है so, सो ये जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का क्वेश्चन था अब ये हमारा क्वेश्चन आया वो रेशो वाला मैंने आपसे बोला था एक रेशो टोटल अमाउंट को टुकड़ों टुकड़ों में इन्वेस्ट करते हैं बोल रहे हैं कि एक बंदा पंद्रह हजार आठ सौ साठ इन्वेस्ट करना चाहता है अपने तीन बेटों में अपने तीन बेटों में ए बी सी इन सच अ वे दैट द गेट द सेम अमाउंट आफ्टर टू थ्री या चार इयर्स कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहता है कि फाइनल अमाउंट सेम हो और उसका टाइम कितना दिया है टू थ्री फोर इयर्स ये प्रिंसिपल कितना होगा वो किस तरह से डिवीजन कर रहा है हमें नहीं मालूम अच्छा इंटरेस्ट रेट भी सबका सेम है

अब देख लो ये आपको पहला वाला रेट दिया था पाँच परसेंट टाइम दिया था दो साल ये रेट दिया था तीन ये दिया था पाँच ये दिया था चार ये दिया था पाँच अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो ये मेरा आ रहा है वन बाई टेन इस टू वन बाई फिफ्टीन इस टू वन बाई ट्वेंटी अब फिफ्टीन ट्वेंटी और टेन का एल ले लो टेन फिफ्टीन और ट्वेंटी का अगर हम एल लें तो ये कितना हो जाएगा ये एल सी एम हो जाएगा फाइव फाइव टू ज़ार टेन फाइव थ्री हज़ार फिफ्टीन फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी टू टू थ्री फाइव टू ज़ार टेन ट्वेंटी और ट्वेंटी थ्री साल सी एम आ गया सिक्सटी जितना एल सी एम आए उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इन सबको सिक्सटी सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दो सो सिक्सटी डिवाइड बाई टेन कितना हो जाएगा फोर सिक्सटी डिवाइड बाई ट्वेंटी कितना हो जाएगा थ्री सो so, ये जो हमारा रेशियो आ गया रेशो होता पी वन इज टू पी टू इस टू पी थ्री सिक्स इस टू फोर इस टू थ्री अब ये क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन बोलते हैं मैं बोलती कि बताओ जिस बेटे को सबसे कम टाइम मिला है उस जिस बेटे को द सन हु गेट मिनिमम टाइम उसको कितने पैसे मिलते तो सबसे कम टाइम कितना था सबसे कम टाइम था दो साल मतलब पी वन की वैल्यू आपसे पूछते तो बच्चों पी वन की वैल्यू कैसी हो जाती है आपको रेशियो प्रोपोर्शन याद है कि डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट अगर हमसे पी वन की वैल्यू पूछते तो हो जाता पी वन डिवाइडेड बाय पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री मल्टीप्लाई विथ टोटल तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी टोटल इन्वेस्टमेंट थी पंद्रह हज़ार आठ सौ साठ तो P1 हम लिखते कितना सिक्स डिवाइड बाय छः चार दस और तेरह इन टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट कितना था पंद्रह हज़ार आठ सौ साठ तो हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं सो तो ये मिलता ये मिल, मिलता मुझे सिक्स मल्टीप्लाय पंद्रह हज़ार आठ सौ साठ डिवाइड बाय तेरह सो उसका प्रिंसिपल हो जाता सेवन थ्री टू जीरो इसी तरीके से सेकेंड का भी फाइंड कर सकते थे इसी तरीके से हम थर्ड का भी फाइंड कर सकते थे ये भी कभी ना कभी एग्ज़ाम में आया हुआ है आईसीआई में हमने क्लासरूम में ये किया था पी वन पी टू पी थ्री हमने फाइंड किया था तो ये एक लेवल का क्वेश्चन था ये अच्छा सा क्वेश्चन है ठीक है सो ये 2018 में आया गया था एंड इसी के साथ बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है सिंपल इंटरेस्ट के सारे लेवल ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट जल्दी जल्दी से अब हम स्टार्ट कर देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें अगर तो मैंने आपको अभी पहले ही थोड़ी देर पहले बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो चेंज होता रहता है सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था प्रिंसिपल थ्रू आउट सेम था पर सीआई में प्रिंसिपल चेंज होता रहता है बार बार उस पर जो है इंटरेस्ट लगता जाता है लगता जाता है सो so, अगर हम इसके फार्मूलाज की बात करें अगर हम यहाँ पे इसके फार्मूलाज की बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम जैसे ही मैं आपसे बोल रही हूँ सो कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों क्या हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सी है सॉरी जो प्रिंसिपल है वो क्या हो रहा है कॉन्स्टेंटली प्रिंसिपल हमारा चेंज होता चला जा रहा है ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है प्रिंसिपल चेंज हो रहा है सो so, अब इसका फार्मूला क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात कर रहे थे सो so ये मेरा हो रहा था प्रिंसिपल वन प्लस आई टू दावर एन माइनस वन अगर इसके अमाउंट की बात कर रहे थे सो so हो रहा था प्रिंसिपल वन प्लस आई टू दावर एन ये ब्रैकेट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है ये हमारा हो रहा था अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट अब इसमें मसला आ रहा था ये आई का ये आई हमारा हो रहा था ये हमारा रेट था इन डेसिमल्स बट कन्वर्जन पीरियड को भी हमें कंसिडर करना था अब ये कन्वर्जन पीरियड को अगर हम कंसिडर करते तो ये हो जाता आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड एम आर मतलब हो रहा था हमारा रेट इन परसेंटेज जो हमें क्वेश्चन में गिविन होगा और एम भी हमें क्वेश्चन में गिविन होगा कंपाउंडिंग कैसी हो रही है ये हो सकता था मंथली ये हो सकता था क्वार्टरली सेमी एनुअली और एनुअली सेमी एनुअली और एनुअली ठीक है और यहाँ पे इस एन का मतलब क्या था एन का मतलब था मैंने बोला दो साल के लिए कंपाउंडिंग सेमी एनुअली सो दो साल सेमी एनुअली सो सेमी एनुअली मतलब एक साल में दो बार तो दो साल में कितनी बार चार बार सो so, ये हमारा एन की वैल्यू थी जो हो रही थी एम इंटू ठीक है अब कैल पे कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे फाइन कर रहे थे के पे कंपाउंड इंटरेस्ट को हमार फाइन कर रहे थे आर डिवाइडेड बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय एम प्लस वन मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू कितने टाइम एन माइनस वन टाइम एंड देन माइनस वन एंड मल्टीप्लाई विथ प्रिंसिपल और अमाउंट हम कैल पे कैसे फाइन कर रहे थे सेम ही था आर डिवाइड बाय हंड्रेड डिवाइड बाय एम प्लस वन मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स एन माइनस एंड देन मल्टीप्लाई विध प्रिपल सिर्फ हमें ये माइनस वन नहीं करना अब छोटी चीज़ से प्रिंसिपल से हम अमाउंट फाइन कर रहे थे तो हमने क्या किया था हमने प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई कर दिया था अगर इसका कन्वर्स आ जाता तो आपके पास आ जाता िंपल फाइन so करो सो so, यही स्टेप हो जाती है आर डिवाइड बाई हंड्रेड डिवाइड बाई एम प्लस वन मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू तो हाउ मेनी टाइम एन माइनस वन टाइम तो करते अब यहाँ पर हमने प्लस मल्टीप्लाई किया था क्योंकि अमाउंट फाइन कर रहे थे बड़ी चीज फाइन करते हैं तो प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर अमाउंट गिवेन होता है और प्रिंसिपल फाइन करते हैं तो हम कर देते हैं यहाँ पे डिवाइड इज इक्वल्स टू तो मल्टीप्लाई विथ अमाउंट सिमिलरली इस फार्मूले में अगर हमें प्रिंसिपल फाइन करना था अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिविन होता तो हम करते हैं आर डिवाइड बाई हंड्रेड डिवाइड बाई एम प्लस वन मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू माइनस वन डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विद कम्पाउंड इंटरेस्ट ठीक है ये क्लास में हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है अभी और प्रैक्टिस हो जाएगी समझ में भी नहीं आ रहा तो फार्मूले में पुट करना है और आंसर आएगा अभी कैसे होगा वो आ मैं आपको बताऊँगी ठीक है <coughs> इसके अलावा हमारे पास दो कॉन्प्ट और थे एक था हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो रहा था वन प्लस आई टू दावर एन माइनस वन परसेंटेज में देंगे तो मल्टीप्लाई आई विद हंड्रेड अगर डेसिमल में लिखा होगा तो मल्टीप्लाई हंड्रेड करने की ज़रूरत नहीं है <coughs> फिर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो रहे थे डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई की अगर हम बात करते तो एस si आई और सी आई का जो डिफरेंस है सी आई और एस si आई का जो डिफरेंस है वो होता है पी आई स्क्वायर अगर दो साल की बात कर रहे हैं तो ठीक है डिफरेंट बिटवीन एस आई एन सी आई हो जाता है हमारा पी आई स्क्वायर आई प्लस थ्री अगर हम हमसे तीन साल की बात कर रहे हैं तो अदर देन दैट अदर दैन डैट अगर बोला है टू एंड हाफ ईयर चार साल पाँच साल कुछ और दे दिया तो ये फार्मूलाज वर्क नहीं करेंगे हमें नॉर्मल अप्रोच करना पड़ेगा हमें सी आई फाइन करना पड़ेगा हमें एस आई फाइन करना पड़ेगा ये डिफरेंस या तो हमें गिव इन होगा या हमें इसमें से पी आर टी कुछ भी वैल्यू हमसे यहाँ पूछेंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के इतने फॉर्मूलाज हमें देखना है सिर्फ और इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में इतनी कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन नहीं है मेन बहुत सारी कैटेगरी सिंपल इंटरेस्ट से है कंपाउंड इंटरेस्ट में एक दो चीज़ें ही हमारी चलती रहेंगी अब जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं द इफेक्टिव रेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ सेंट परसेंट कन्वर्टेबल क्वार्टरली तो सेवन परसेंट है तो सेवन डिवाइड बाई हंड्रेड क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय फोर प्लस वन ठीक है प्लस वन हमने किया और क्वार्टरली है तो मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू कितने टाइम थ्री टाइम्स फिर हमने किया माइनस वन मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड सो ये हमें मिल रहा है सेवन पॉइंट वन एट परसेंटेज सिर्फ कैल पे सॉल्व होगा इफेक्टिव इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए करना रहता है आर डिवाइड बाय हंड्रेड डिवाइड बाय एम एंड देन प्लस वन मल्टीप्लाई कितनी बार क्वार्टरली था तो एन की वैल्यू फोर हो गई ना सो इज इक्वल्स टू प्रेस करोगे आप थ्री टाइम एंड देन माइनस वन मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड मैम थोड़ा सा फॉर्मूला से भी समझा दीजिए बच्चा फॉर्मूला से समझ लो वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड था आई कितना सेवन परसेंट सेवन परसेंट पर डिवाइड बाय फोर सो ये डिवाइड बाय हंड्रेड सो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फाइव फिर प्लस वन की पावर फोर माइनस वन मोर और लेस इट इज़ अ सेम थिंग सिर्फ कैल्सी पे करो आपको आंसर हमेशा मिल रहा होगा यस बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आर नीड्स मनी टू पे फाइव लैक इन टेन ईयर्स ठीक है आर को कुछ पैसे चाहिए कितने अमाउंट पे करने के लिए फाइव लाख रुपीज़ पे करने के लिए ही इन्वेस्टेड असम इन स्कीम एट नाइन परसेंट रेट रेट है नाइन परसेंट आपका और कंपाउंडिंग कैसे दी है सेमी एनुअली दी है हाउ मच अमाउंट ही इन्वेस्ट उसे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए जबकि अमाउंट हमें कितना आया फाइनल अमाउंट कितना मिल रहा है पाँच लाख रुपए मिल रहा है इन कितने साल इन दस साल सो बच्चा अगर दस साल अगर मैं बोलूँ तो n की वैल्यू होती थी m इंटू टू तो ये हो जाएगा टेन इंटू टू ये मेरी वैल्यू आ जाएगी कितनी ये वैल्यू मेरी आ जाएगी ट्वेंटी अब हमें क्या फाइंड करना है हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है तो कैल सी पर प्रिंसिपल कैसे फाइंड कर लेंगे आर डिवाइड बाई हंड्रेड डिवाइड बाय एम प्लस वन एंड देन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कितने टाइम नाइनटीन टाइम्स क्योंकि पावर कितनी है पावर है आपकी ट्वेंटी एंड हम फिर हम इसका कर देंगे डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विद अमाउंट क्योंकि हमें इसे आई आर एच एस पे लेके जाना पड़ेगा डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विद अमाउंट सो लेट्स स्टार्ट दिस ऑन कैल हमें गिवन था नाइन परसेंट डिवाइड बाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एंड नाइनटीन फिर हम करेंगे डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ फाइव लैख रुपीज़ सो ये हमारा कितना आया टू ज़ीरो सेवन थ्री टू वन पॉइंट फोर रुपीज़ सो प्रिंसिपल की हमारी वैल्यू आ गई टू जीरो सेवन थ्री टू वन पॉइंट फोर टू रुपीज़ ठीक है सो ये प्रिंसिपल कैलसी पर हमें ऐसे फाइन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वट आई डिनोट द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं पूरा क्वेश्चन रीड कर लो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछ रहे हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मला भी मैंने बताया था कितना हो जाएगा वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन सम ऑफ मनी इज लेंट एट सी आई रेट ट्वेंटी परसेंट फॉर टू ईयर इट वुड फेज फोर एटी टू मोर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली द सम इज वॉट अब इस क्वेश्चन में देखो बोल रहे हैं कि जब जब पैसे को दो साल के लिए दिया गया है ट्वेंटी परसेंट रेट तो वो आ, 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 किसी अमाउंट को ट्वेंटी रेट पर दिया गया दो साल के लिए लेकिन जब उसी सेम ऑफ अमाउंट को टू इयर्स के लिए दिया गया बट जब कंपाउंडिंग की हाफ ईयरली तो फोर एटी टू रुपीज ज़्यादा मिले तो बताइए कि पी की वैल्यू क्या होगी सो so, बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें 482 इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिल रहा है सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता था प्रिंसिपल वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन अब दो बार हमें ये फार्मूला लगाना है एक बार हमें क्या दे के रखा है एक बार प्रिंसिपल तो हमें नहीं पता एक बार बोल रहे हैं क्या रेट कितना दिया है हमें ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कैसी की है हाफ एयरली अब दो साल में कंपाउंडिंग हाफ ईयरली की जाएगी तो कितना आ जाएगा एम एन की वैल्यू आ जाएगी फोर माइनस वन अब एक और कंडीशन में क्या देख के रखा है ट्वेंटी परसेंट एनुअली सो दो साल के लिए और ये पूरा डिफरेंस कितना गिवन है ये डिफरेंस गिवन है 482. अब ये पूरी चीज़ हम कैलसी पे आराम से फाइंड कर सकते हैं अगर मैं देखूं सो so यहाँ पे ये चीज़ कैसे सॉल्व हो रही है ट्वेंटी ट्वेंटी डिवाइड बाय टू हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई थ्री टाइम इज इक्वल्स टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई थ्री टाइम इज इक्वल्स टू माइनस वन हमने इसे कर दिया एम प्लस स्टोर ट्वेंटी डिवाइड बाय हंड्रेड प्लस वन पावर कितनी है टू तो मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू माइनस वन हमने इसे स्टोर कर दिया एम माइनस जब हमने एम आर सी किया तो कितना आ रहा है ये एम आर सी करने पर आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो टू फोर वन पी इज इक्वल्स टू फोर एटी टू अभी इसे हमें आर एच एस में लेके जाना है तो क्या प्रेस करेंगे डिवाइड डिवाइड इज इक्वल्स टू और फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे फोर एटी टू रुपीज़ से सो तो ये हमारा आंसर आ रहा है नाइन्टीन नाइन 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 नाइनटीन नाइन नाइन पॉइंट नाइन मतलब हम बोल सकते है, है, हैं प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है बीस हज़ार रुपये है ठीक है सो ये क्वेश्चन हमने कुछ इस तरह से सॉल्व कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ अल रेट ऑफ सेवन परसेंट कंपाउंडेड क्वार्टरली होमवर्क ये खुद आप लोग सॉल्व कर लेना नेक्स्ट विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट नाइन परसेंट पर एन कंपाउंडेड क्वार्टरली अच्छा नाइन परसेंट नाइन परसेंट मतलब नाइन डिवाइड बाई हंड्रेड क्वार्टरली मतलब डिवाइड बाई फोर ठीक है प्लस वन एक साल की बात और अच्छा इफेक्टिव इंटरेस्ट है ना सो इफेक्टिव इंटरेस्ट था तो मल्टीप्लाई थ्री टाइम इज़ इक्वल्स टू माइनस वन एंड देन मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड सो ये जो इसका इफेक्टिव रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है नाइन पॉइंट थ्री परसेंट अगर सिंपल इंटरेस्ट पे देते तो इंटरेस्ट कितना होता है नाइन पॉइंट वन परसेंट अगर तो इसमें से बेटर इन्वेस्टमेंट क्या है बेटर इन्वेस्टमेंट मतलब रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो सो रेट ऑफ रिटर्न किधर ज़्यादा है नाइन पॉइंट थ्री परसेंट मतलब जब कंपाउंडिंग की गई क्वार्टरली तो हम बोलेंगे नाइन परसेंट कंपाउंडेड क्वार्टरली ये इजी क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय टू परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में क्या हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट होता है वो अमाउंट इंक्रीज़ होता है किसी रेट से तब हमारा फार्मूला यूज़ होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वन प्लस आई इज द पावर एन ये पॉपुलेशन के केस में डिप्रिसिएशन के केस में भी हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं जब कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर रेट से इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज़ हो रही हो तब ये फार्मूला काम आएगा तो बोल रहे हैं कि किसी टाउन में जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो टू परसेंट है मतलब रेट की वैल्यू दी है टू परसेंट द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वुड बी फोर्टी परसेंट इज वॉट सो कितने साल में पॉपुलेशन इंक्रीज चालीस परसेंट ज़्यादा हो जाएगा सो so, इनिशियली मान लो अगर मान लो शुरू में पॉपुलेशन होती हंड्रेड परसेंट तो अमाउंट कितना मिलता मतलब फाइनल पॉपुलेशन कितनी होती 40 परसेंट ज़्यादा तो 100 प्लस 40 परसेंट मतलब फाइनल पॉपुलेशन होनी चाहिए थी 140 फोर्टी परसेंट वन हमें रेट ऑलरेडी दे के रखा है रेट कितना रेट हमें दे के रखा है 2 परसेंट और एनुअली बात हो रही होगी अब पॉपुलेशन में तो सेमी एनुअली क्वार्टरली कुछ नहीं हो सकता अब वही हम फार्मूला लगा देंगे क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी तो हम लिखेंगे यहाँ वन प्लस आई टू दी पावर एन अमाउंट हमें आ गया 140 प्रिंसिपल आ गया हमारा 100 और ये दिया था हमारा 2 परसेंट और पावर एन सो so ये जीरो से ज़ीरो कैंसिल ये हो गया 1.4 पॉइंट फोर इज इक्वल्स टू टू परसेंट मतलब वन की पावर एन अब ऑप्शन में देख लो वन की क्या पावर करने पर आ रहा है एन अगर सेवन लें तो इजी डायरेक्ट काउंट ही कर लेते हैं हमें पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह बार प्रेस करने पर आ रहा है मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एन की वैल्यू हो जाएगी सेवेंटीन वन पॉइंट ज़ीरो टू रेस्ट टू दी पावर 17 बच्चों 1.4 मिल रहा है तो यही ऑप्शन आपका सही हो गया अगर यहाँ बोलते पॉपुलेशन कम हो रही है तो so इस प्लस की जगह क्या ले लेते आप इस प्लस की जगह माइनस ले लेते नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है ऐसे घुमा घुमा के पूछेंगे कॉन्सेप्ट हमने सारे पढ़ लिए हैं अब थोड़ी देर हम फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स और प्रैक्टिस कर लेते हैं द रेश ऑफ प्रिंसिपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू फॉर थ्री ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली इज टू हंड्रेड सिक्सटीन इस टू वन बाई वन टू सेवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ ठीक है प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो कितना दिया है टू हंड्रेड सिक्सटीन डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी सेवन ओके सो मैं बोल सकती हूँ प्रिंसिपल की वैल्यू टू हंड्रेड सिक्सटीन है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू वन हंड्रेड सेवनटीन है तो अमाउंट कितना हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा मेरा टू हंड्रेड सिक्सटीन प्लस वन ट्वेंटी सेवन सो अमाउंट मुझे दिया है कितना थ्री फोर्टी थ्री प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो अमाउंट मिल गया ठीक है अच्छा अब हमसे बोल रहे हैं टाइम कितना गिवन है टाउम टाइम गिवन है हमें थ्री इयर्स हमें सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था प्रिंसिपल वन प्लस आई टू दी पावर एन अमाउंट हमें गिवन है थ्री फोर्टी थ्री प्रिंसिपल गिवन है टू हंड्रेड सिक्सटीन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है और टाइम दिया है थ्री इयर्स तो ये देख लो कितना हो गया थ्री फोर्टी थ्री डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड सिक्सटीन ये आ गया वन पॉइंट फाइव एट 1.58 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू दी पावर थ्री अब यहाँ ऑप्शन अप्रोच से इज़ीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मान लेते हैं हम आई की वैल्यू कितनी है मान लेते हैं हम आई की वैल्यू है ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं. सो so मान लेते हैं हम आई की वैल्यू है 0.177. सो so ये हो जाएगा 0. पावर हमें थ्री फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ठीक है सो वन प्लस जीरो पॉइंट वन सेवन 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 मल्टीप्लाई टू टाइम इक्वल्स टू वन पॉइंट सिक्स थ्री आ रहा है पर अपन को कितना चाहिए था वन पॉइंट फाइव एट ऑप्शन गलत है सेकेंड ऑप्शन मान लेते हैं कितना जीरो पॉइंट वन फाइव सिक्स सेवन तो करते हैं वन प्लस जीरो पॉइंट वन फाइव सिक्स सेवन मल्टीप्लाई टू टाइम इज इक्वल्स टू ये भी गलत है जीरो पॉइंट वन सिक्स 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 प्लस वन टू टाइम इज इक्वल्स टू ये बिल्कुल सही आ रहा है सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन थोड़ा सा देख लेना एक बार सारा चेक करके सुकून से इस, इस, इस स्टेप के बाद आप ऑप्शन अप्रोच आराम से लगा सकते थे ठीक है तो ये थे हमारे एक क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा था पर इजी था प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो दिया था टू हंड्रेड सिक्सटीन इज टू वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन नाउ नेक्स्ट

एक साल के लिए कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब साल भर में दो बार तो मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं तो माइनस वन किया एंड देन फिफ्टी थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया सो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया फोर जीरो टू जीरो सिंगल लाइनर था सिर्फ कैलसी पे कॉपी पेन की कोई ज़रूरत नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आर डिवाइड बाय हंड्रेड डिवाइड बाय एम प्लस वन मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू एक ही बार क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू टू है ना तो एक ही बार इज इक्वल्स टू प्लस करेंगे माइनस वन मल्टीप्लाई विथ प्रिंसिपल जो इस फॉर्मूले से करते हैं वो बच्चे बिल्कुल फॉर्मूले से कर सकते हैं कोई परेशानी की बात यहाँ नहीं आनी चाहिए मोर और लेस इट इज अ सेम थिंग नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर इज सेवन टू नाइन जीरो आज की जो स्कूटर की वैल्यू है वो सेवन टू नाइन जीरो है इफ़ इट्स वैल्यू डिक्रीज एवरी ईयर अच्छा हर साल वैल्यू कम हो रही है मतलब यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे बस यहाँ प्लस की जगह क्या आने वाला है इस प्लस की जगह माइनस आने वाला है अब हमें रेट ऑफ डिक्रीजिंग रेट दिया है टेन परसेंट हमें प्रेजेंट वैल्यू स्कूटर की दी है सेवन टू जीरो पर हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं थ्री इयर्स पहले की देन इट्स वैल्यू बिफोर थ्री इयर्स इज इक्वल्स टू व्हाट अब तीन साल पहले इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए थी मत तीन साल पहले की बात कर रहे हैं ना तीन साल पहले की बात कर रहे हैं तो हम उसे अमाउंट तो बोल नहीं सकते हम बोलेंगे कि पी की वैल्यू पूछी जा रही है सो so पी की वैल्यू पूछी जा रही है हम अमाउंट ले लेते हैं कितना सेवन टू नाइन जीरो और आई की वैल्यू दी है हमें कितनी टेन परसेंट और एन की वैल्यू हमें दी है थ्री यहां से हम पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये कितना आ गया टेन डिवाइड बाय हंड्रेड एंड देन प्लस नो 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 टेन डिवाइड बाय हंड्रेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस प्लस वन मल्टीप्लाई टू टाइम इज इक्वल्स टू डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ सेवन टू नाइन ज़ीरो वैल्यू मेरे पास आ गई टेन थाउजेंड रुपीज़ आप लोग सुकून से कैलसी पे अगर कम्फर्टेबल नहीं हो तो आराम से अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके देख लेना इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और थी इसकी शॉर्ट ट्रिक और एक शॉर्ट ट्रिक और है इसे आप ऑप्शन अप्रोच से भी कर सकते हो ऑप्शन अप्रोच से भी इसे कर सकते हो हर साल कितने रेट कम हो रहा है दस परसेंट कम हो रहा है ना दस परसेंट कम हो रहा है ना तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन अगर होता तो दस हजार में हर साल कितना रेट गिर रहा है दस परसेंट तो अगर इनिशियल रेट दस हज़ार है अगर इनिशियल रेट दस हजार है तो पहले साल में टेन परसेंट माइनस करा फिर नेक्स्ट ईयर टेन परसेंट माइनस करा फिर नेक्स्ट ईयर टेन परसेंट माइनस करा माइनस टेन परसेंट माइनस टेन परसेंट माइनस टेन परसेंट तो आपका आ गया सेवन टू नाइन जीरो जो कि क्वेश्चन में गिवन था मतलब आंसर सही बात है तो पूरा भी ये कैलसी के ट्रिक से सॉल्व हो सकता था क्योंकि सेम रेट से डिक्रीज हो रहा है तो माइनस माइनस करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे नाउ दिस क्वेश्चन स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ मशीन वैल्यूड एट टेन लैक आफ्टर टेन ईयर्स विद इन डिप्रिसिएशन एट अ रेट ऑफ टेन परसेंट पर एनम इज वॉट स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा है मतलब फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है या अमाउंट पूछ रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था यही होता था रेट ऑफ है और ये डिप्रिशन है आपको 10 साल और ये परसेंटेज भी आपको गिवेन है 10 डिवाइड बाय 100 आराम से ये आप सेम कैटेगरी पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 10 साल की यहां पे बात हो रही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर थ्री इयर्स व्हेन प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 25,000 अगर अभी जो पॉपुलेशन है वो पच्चीस है तो तीन साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी जबकि पहले साल कितने रेट से इंक्रीज़ हुई पहले साल तीन परसेंट से इंक्रीज़ हुआ दूसरे साल फोर परसेंट इंक्रीज़ हुआ तीसरे साल फाइव परसेंट से इंक्रीज़ हुआ अगर आपको कन्जिकटिव तीन रेट्स अगर लगातार अलग अलग दिए हों तो भी इसे कैलसी पे आराम से सॉल्व कर सकते हो अलग अलग फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है पहले इनिशियली पच्चीस वैल्यू थी पहले साल में तीन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो प्लस थ्री परसेंट फिर नेक्स्ट ईयर फोर परसेंट इंक्रीज हुई फिर नेक्स्ट ईयर फाइव परसेंट इंक्रीज हुई सो so ये हमें अच्छा पॉपुलेशन नहीं पूछी थी कुछ भी क्वेश्चन में जो भी फ्रेम कर रहे हैं रुपीज में ऑप्शन दिख रहा है मुझे ये हमें कितनी पॉपुलेशन हो गई ये रुपीज गलत लिख दिया है टीम ने यार ठीक है सो ये आ जाएगी हमारी कितनी पॉपुलेशन हो गई तीन साल के बाद अट्ठाईस हजार एक सौ उन्नीस विच इज ऑप्शन नंबर ए ठीक है सो अलग अलग रेट दिया हो तो ऐड करते चलना बस नाउ Next, same level question: The sum was invested for three years as per CI, and the rate of interest for first year is 9%, second year is 6%, third year is 3%, uh, respectively. फाइंड द सम इफ द अमाउंट इन थ्री ईयर इज फाइव फिफ्टी फाइनल अमाउंट कितना दिया है साढ़े पाँच सौ दिया है इस बार प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है मान लो प्रिंसिपल टू फिफ्टी है अगर टू फिफ्टी प्रिंसिपल होता तो पहले साल में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ नाइन परसेंट सेकेंड ईयर में कितना इंक्रीज हुआ सिक्स परसेंट और थर्ड ईयर में कितना इंक्रीज हुआ थर्ड परसेंट तो यह आ रहा है अमाउंट टू नाइनटी सेवन मतलब गलत है थ्री हंड्रेड ले लो अगर थ्री हंड्रेड होता ऑप्शन बी के हिसाब से थ्री हंड्रेड सो पहले साल में इंक्रीज हुआ नाइन परसेंट सेकेंड ईयर

सेकेंड ईयर में थ्री परसेंट और फिर नेक्स्ट ईयर में फिर सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन ना गड़बड़ है मिस प्रिंट है पर ठीक है आप समझ जाना ये सेकेंड ईयर में सिक्स ईयर है और ये गलत आ गया है और ये प्लस थ्री परसेंट तो आपको मिल रहा होगा फाइव फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन विच इज रफली इक्वल टू फाइव फिफ्टी सो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली and the simple interest on a certain amount at 10% per annum for 2 years is rupees 372. SI और CI का difference दो साल का 372 है तो normal भी आप कर सकते हो CI find करो, SI find करो, उनको minus करो तो फिर ऐसे भी कर सकते हो लेकिन एस SI आई और सी का डिफरेंस फॉर टू ईयर्स बच्चों होता है पी आई स्क्वायर तो ये डिफरेंस 372 गिवन है प्रिंसिपल नहीं पता रेट गिवन है 10 परसेंट और इसका स्क्वायर सो कैलसी उठाएंगे करेंगे 10 डिवाइड बाय 100 डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ थ्री सेवेंटी सो ये वैल्यू आ गई हमारी थ्री सेवन ओके कुछ गड़बड़ की क्या मैंने टेन डिवाइड बाई हंड्रेड का स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ थ्री सेवेंटी टू पता नहीं कुछ गड़बड़ प्रेस कर दिया होगा एक आध जीरो कम लगा दिया होगा सो so ये 3, 700, 2, 3, 7, 2, 0, above, आ रही है प्रिंसिपल थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड टू थ्री सेवन टू जीरो विच इज़ नफ़ दी अब सॉरी ऑफ विच इज़ ऑप्शन ए आई एम सो सॉरी एवरी वन हाँ सो यहाँ से हमें आंसर मिला थ्री सेवन टू डबल जीरो क्लियर एवरी वन सो कुछ इस तरह से 102, अच्छा. compound interest, अगर हम दो साल लें फोर ठीक है देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम सेम पीरियड एट द रेट दिस दिस डिज अच्छा ठीक है किसी सर्टन सम पर अगर हम दो साल के लिए फोर परसेंट रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं अच्छा मैंने ना सम दिया ना अमाउंट दिया ठीक है सो so, किसी सम की अगर हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है वन जीरो टू देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट विल बी वॉट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है दिया है और टाइम दिया है सो so, ये प्रिंसिपल की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे कैसे फाइंड करेंगे वही वाला फॉर्मूला आर डिवाइड बाई हंड्रेड डिवाइड बाई एम प्लस वन दो साल की बात हो रही है तो मल्टीप्लाईज इक्वल्स टू माइनस वन छोटी चीज से बड़ी चीज फाइंड कर रहे हैं तो डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ वन जीरो प्रिंसिपल मिल जाएगा सो so, रेट है फोर परसेंट ठीक है फोर परसेंट प्लस वन मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड देन डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ वन जीरो टू सो प्रिंसिपल आ रहा है कितना प्रिंसिपल आ रहा है वन टू फाइव जीरो अब अगर प्रिंसिपल आ गया तो इस प्रिंसिपल पर ऐसा ही कितना होता प्रिंसिपल वन टू फाइव जीरो रेट फोर परसेंट और टाइम टू इयर्स तो वन टू फाइव जीरो मल्टीप्लाई विथ फोर मल्टीप्लाई विथ टू डिड बाई हंड्रेड सो ये आ रहा है आपका हंड्रेड रुपीज़ सो so, ये हमारा सम कित ये हमारा कितना आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट हंड्रेड रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है मैं बहुत डायरेक्ट कैलसी पे कर रही हूँ आई होप आप लोग सब कैलसी से कंफर्टेबल हो गए हो नहीं तो आप ये फार्मूला ज़रूर यूज़ कर सकते थे सी का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन हमने क्लास में भी ऐसे ही सॉल्व करा ये कोई नई चीज़ नहीं है ठीक okay, है ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अगर दस हज़ार इन्वेस्ट किए एट परसेंट पर कंपाउंडेड क्वार्टरली देन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टू ईयर इज व्हाट दो साल के बाद कितना अमाउंट uh, हो जाएगा अगर दस हज़ार इन्वेस्ट किए तो रेट से स्टार्ट करते थे आ डिवाइड बाई हंड्रेड कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब डिवाइड बाई फोर प्लस वन दो साल में चार बार हो रहा है तो एक साल में क्वार्टरली है ना तो दो साल में कितनी बार होगा आठ बार तो इजी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सेवन टाइम तो मल्टीप्लाई एक दो तीन चार पाँच छः सात बार फिर मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल से तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है वन वन सेवन वन सिक्स पॉइंट फाइव नाइन एग्जैक्ट ऑप्शन हमें दिया है ऑप्शन नंबर एक ठीक है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर एट टेन परसेंट पर एन एम फॉर फोर ईयर्स ऑन टेन थाउजेंड इज रुपीज वॉट हमसे सी आई और एस SI आई का डिफरेंस पूछा है आराम से हो जाएगा सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं प्रिंसिपल कितना दिया है अगर हम बात करें अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइन कर लें टेन परसेंट प्लस वन मल्टीप्लाई चार साल की बात हो रही है तो इज़ इक्वल्स टू तीन बार और हम सी आई फाइन कर रहे हैं तो माइनस वन मल्टीप्लाई विद दस हज़ार रुपये सो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया फोर सिक्स वन फोर सिक्स फोर वन अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते थे तो दस हजार रुपए टेन परसेंट रेट पर चार साल के लिए डिवाइड बाय हंड्रेड तो यह आता चार हजार रुपए दोनों को माइनस करो तो सिक्स फोर्टी वन रुपीज मिल रहा है सिर्फ से सॉल्व हो रहा है सी आई कैल्स से फाइन करो एम प्लस कर दो एस आई कैल से फाइन करो एम माइनस कर दो तो डायरेक्ट भी रिजल्ट मिल सकता था पर चलो ठीक है हमने थोड़ा थोड़ा लिख लिया कोई दिक्कत की बात नहीं है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एन अमाउंट इज के सिंपल इंटरेस्ट इट अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ सिक्स हंड्रेड इन फर्स्ट टू ईयर्स अच्छा अगर कोई अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे रखा जाता तो सिक्स हंड्रेड का एस आई मिलता दो साल के लिए अच्छा ठीक है टाइम दो साल के लिए दिया है वैन कंपाउंड इंटरेस्ट इट अर्नस एन इंटरेस्ट ऑफ सिक्स सिक्सटी फॉर द सेम पीरियड अच्छा अगर दो साल के लिए दो साल के लिए सीआई पे रखा जाता तो हमें सिक्स सिक्सटी रुपीज मिलता देन द रेट एंड प्रिंसिपल इज गिवन बाय बहुत इजी सा क्वेश्चन है वही है एस आई माइनस सी आई आपको सिक्सटी दिख रहा है आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो नाउ एक कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन छूट गया था यार हमने एस SI आई में करा था सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन दिस साल तो ट्रिपल या फोर टाइम्स कितने में होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट में छूट गया तो ये एक वो क्वेश्चन रहा देखो क्या कह रहा है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन फोर इयर्स चार साल में डबल हो रहा है चार साल में डबल हो रहा है तो क्या करेंगे वहाँ पे क्या कर रहे थे ठीक तो है तो डबल बोल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 2 1 1 i 4 डबल बोल रहा है ना तो प्रिंसिपल अमाउंट टू ले लो प्रिंसिपल वन ले लो वन का डबल टू होता है ना इसको सॉल्व कर लो तो टू डिवाइड बाई वन वन प्लस आई ये पावर फोर था तो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा वन बाय फोर आप के पे वन बाय फोर कैसे फाइंड करेंगे टू टाइम इज इक्वल्स टू फिर कर दो माइनस वन और रेट फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड सो ये जो रेट आ रहा है ये कितना आ रहा है एटीन पॉइंट नाइन टू ज़ीरो ठीक है अब हमसे बोल रहे हैं इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम्स थर्टी टू टाइम ऑफ इट सेल्फ अच्छा ये थर्टी टू ले लो ये वन ले लो और रेट आपका आ गया है एटीन पॉइंट नाइन टू जीरो डिवाइड बाई हंड्रेड और अब हमसे टाइम पूछ रहे हैं सो ये एन की वैल्यू अब आपको फाइन करना है आराम से ये पूरी चीज़ के पे सॉल्व हो सकती है सो हम ले लें एटीन पॉइंट नाइन टू ज़ीरो डिवाइड बाई हंड्रेड प्लस वन अब हमें देखना है कितनी पावर करने पर ट्वेंटी आ रहा है तो मल्टीप्लाई एक दो तीन चार पाँच 9 सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अच्छा, पर आ रहा है थर्टी टू तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी उन्नीस प्लस वन विच इस ट्वेंटी सो एन की वैल्यू ट्वेंटी आंसर दिखता रहता है तो गड़बड़ होती है ना मुझे दिख रहा था अच्छा ट्वेंटी है तो, आंसर है, तो मुझे लग रहा कुछ है कुछ गड़बड़ है ठीक है बट ठीक है कितनी ट्वेंटी यस yes, बच्चों ये क्वेश्चन देख लेते हैं देखो इजी सा क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ पंद्रह साल फॉर टू इयर्स इन नाइनटी सिक्स अगर हम बात करें टू ईयर्स की सी आई और एस आई की डिफरेंस की तो टू ईयर्स के लिए ये डिफरेंस कितना हो जाता था पी आई स्क्वायर डिफरेंस तो दिया है नाइनटी सिक्स ओ पी की वैल्यू हमें नहीं मालूम और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें फाइंड करना है सो तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास नाइन्टी सिक्स डिवाइडेड बाई कितना पंद्रह हज़ार फिर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम मल्टीप्लाई हंड्रेड कर देंगे सो तो ये रेट आपको कितना मिल रहा है ये रेट आपको मिल रहा है एट परसेंटेज ये रेट आपको मिल रहा है क्या एट परसेंटेज तो यहाँ पे आके हमारे खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन जो बुकलेट uh, के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बट अगर हम ए क्यू बी की बात करें तो ए क्यू बी में एक्सरसाइज uh, ए uh, और एक्सरसाइज बी में तो बच्चों ईजी ईजी क्वेश्चन देखें देखने को मिलेंगे बट आप एडिशनल क्वेश्चन की बैंक की बात करो सो एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी आप आराम से कर सकते हो सेम क्वेश्चन जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं वही दिए हैं एक एक बार देख लो मैं आपको बता देती हूँ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई एट फाइव परसेंट पर एन एम फॉर फोर ईयर्स चार साल के लिए दिया है तो हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते हमको फाइन करना पड़ेगा बीस हजार रुपए आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो क्या करोगे फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड डिवाइड बाई फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड प्लस वन इक्वल टू थ्री टाइम्स माइनस वन मट्टीप्लाई टू थाउंड तो सी आई जाएगा फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो ट्वेंटी थाउजें मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई फोर डिवाइड बाई हंड ऐसे ही आ जाएगा दोनों को माइनस कर दोगे ऑप्शन में दिख रहा होगा ठीक है सेम नेक्स्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट ईयर में सिक्स फर्स्ट और सेकेंड ईयर में सिक्स परसेंट रहा है और थर्ड uh, ईयर में नाइन परसेंट मिल रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली की जाए अपन ने ऊपर सेम लेवल का क्वेश्चन किया है ठीक है सर क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन देखो कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल एक्सलफ एसेंट कंपाउंड सेम फॉर्मूले से हो जाएगा डबल एक्सेल बोला है तो हम क्या करेंगे टू इज इक्वल्स टू वन प्लस आई टू द पावर कितना फाइव परसेंट भी दिया है रेट भी दिया है फाइव परसेंट तो हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव और ये एन की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी ईयर सम ऑफ मनी ट्रिपल इट से फाइव परसेंट कम्पाउंडेड हाफ ईयरली बेसिस सो ये भी हमने क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर सेवन अच्छा अब हम इधर बात करें क्वेश्चन नंबर एट नाइन टेन की अगर कुछ क्वेश्चन इसमें से छूटे हैं मतलब वो एन के होंगे एनयटी कल वाले सेशन में हम करने वाले आज सीआई और एसआई SI आई के एक क्वेश्चन ये हैं अब मशीन डिप्रिशिएट एट टेन परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर ठीक है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है मतलब फॉर्मूला यूज होने वाला है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वन वन माइनस आई टू पावर एन ठीक है द कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू रियलाइज एट द टाइम ऑफ सेल बींग ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी एंड नाइन थाउजेंड फॉर हाउ मेनी ईयर द मशीन वॉज पुट टू यूज तो कितने साल तक वो मशीन यूज की गई होगी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको दिया है टेन परसेंट तो पहला कितना था ट्वेंटी टू फोर्टी ट्वेंटी थाउजेंड टू फोर्टी और डिप्रिसिएशन रेट कितना है माइनस टेन परसेंट तो एक साल दो साल तीन साल चार साल पाँच साल छः साल सात साल आठ साल नौ साल नौ साल आ रहा है आंसर देखो हमें नाइन थाउजेंड चाहिए था ना अगर इसके बाद हमने टेन परसेंट और किया तो एट हज़ार वैल्यू हो गई बोल रहे थे तेईस हजार चौ सौ चालीस से नाइन हज़ार का वही सो ये हमारा नाइन ईयर्स आंसर आ रहा है हमने माइनस टेन परसेंट माइनस टेन परसेंट हम करते गए अ मशीन वर्थ रूपीज दिस इट डिप्रीशिएट एट फिफ्टीन परसेंट ऑन इट्स एपिन वैल्यू वन इट्स वैल्यू बिकम रिड्यूस टू टू लैक देन द वैल्यू ऑफ दिस अच्छा अब हम इसमें नहीं कर सकते कैलसी से क्योंकि फोर ईयर सिक्स मंथ फोर ईयर सेवन मंथ फोर ईयर फाइव मंथ फाइव ईयर सेवन मंथ दिया है तो अब हम इसे नॉर्मल सॉल्व करना पड़ेगा हमें अमाउंट दिया है कितना चार लाख नब्बे हज़ार सात सौ चालीस और हमें ये प्रिंसिपल वैल्यू दी है दो लाख रुपये और वन माइनस फिफ्टीन डिवाइड बाई हंड्रेड और ये एन की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करना है तो अब हम इसे इससे सॉल्व कर देंगे अगर ऐसे सॉल्व ये डायरेक्ट नहीं हो रहा होगा तो याद आ रहा है लॉग लॉग वैल्यूज़ लेते थे फिर अंडर रूट लॉग वैल्यू फाइंड करने के लिए अंडर रूट नाइनटीन टाइम माइनस वन मल्टीप्लाई टू टू सेवन सिक्स नाइन फाइव एम प्लस डिवाइड बाई दिस वो पूरा लॉन्ग मैथड आपको फाइंड करना पड़ेगा अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो ट्रिक से सॉल्व हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है मशीन वर्थ रुपीज दिस डिप्रिशिएट परसेंट फिटनेज वैल्यू रिड्यूस बाय नाइन्टी परसेंट तो बताओ वैल्यू क्या नाइन्टी परसेंट देख लेना कितना हो रहा है वो अमाउंट हो जाएगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा तो ये इजी क्वेश्चन आपसे डूएबल है मैं एनोटेड फाइल्स इसकी शेयर कर दूंगी सो so, ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों तो आज हमने ओवरऑल एस आई और सी आई के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने अभी एस आई सॉल्व किया और सी आई सॉल्व किया नाउ दिस इज इट फॉर दिस सेशन अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनइटी और जो कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम थे मेन जो हमारा टारगेट है वो एन होने चाहे होगा क्योंकि अगर हम मिसलेनियस की बात करें तो उसमें होता है सी ए जी आर बॉन्डिंग बॉन्ड वैल्यू और और क्या क्या होता है ठीक है बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी एन वगैरह वो ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है बट फिर भी हम देख लेंगे कुछ जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए चूँ आ रहे हैं सो दिस इज़ इट अबाउट टुडे सेशन अब इसके बाद ये एनोटेड फाइल्स और कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो हैं मैं आपको साथ शेयर कर दूंगी और हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में तब तक बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहो अगर इस रिवीजन सीरीज़ को पूरा फॉलो कर लोगे तो पूरे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे आपने सॉल्व कर लिए होंगे हर कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें कवर हैं इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना और आपका टी वी एम का रिविज़न हो जाएगा ख़त्म अब नेक्स्ट क्लास में हम एन और ख़त्म कर लेंगे फिर उसी ऑर्डर में हम पहले लेवल वन के क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज बाय इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया